હવે આપણે આગળ વધીશું કે વિદ્યુત ડાયપોલને લીધે મળતો વિદ્યુત સ્થિતિમાન ध्यान रखो के P बिंदु आगर कुल विद्युत स्थितिमान शोधीए एना करता आकृति देशे ए आकृति में थोड़ा शब्द जो लो P बिंदु कुल विद्युत स्थितिमान V बराबर वी क्यू प्लस वत्ता वी क्यू माइनस किमत मूकी है तो के क्यू प्लस अपॉन आर वन प्लस के माइनस क्यू अथवा माइनस के क्यू अपॉन आर वन अही विज्वार माइनस क्यू से तो के क्यू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू समीकरण नंबर एक बराबर से आटल सुधी आपने कोई तकलीफ नहीं કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે બિંદુવત વીજભાર હોય એટલે કે એક વીજભારના કારણે મળતો વિદ્યુત સ્થિતિમાન V બરાબર કેટલું મળશે આપણને તો એ V બરાબર આપણને KQ / R જેટલું મળે હવે અહીં આપણે જોઈશું તો પ્લસ Q થી R P નું અંતર મધ્ય બિંદુ થી P નું અંતર અને માઇનસ Q થી P નું અંતર આ ત્રણે ત્રણ અંતર અલગ અલગ છે તો હવે આપણને અહીં R1 અને R2 ની જરૂર છે તો R1 જે છે એની કિંમત મૂકીશું આકૃતિ પરથી શું સૂત્ર છે કાસે વળે cos θ બરાબર આ ખૂણો છે cos θ સૂત્ર થશે પાછળની બાજુ ON ભાગ્યા A A cos θ બરાબર ON ON ની આ કિંમત જે છે આપણે ઉપર મૂકીશું તો R1 બરાબર R માઇનસ A cos theta સમીકરણ નંબર 2 બરાબર છે અને આવી જ રીતે આકૃતિ પરથી R2 માઇનસ માઇનસ 2m બરાબર આ ઓકે વળે એટલે કે આપણે હવે આર ટુ જે છે એને સૂત્ર કરતા બનાવીશું વળી આર ટુ બરાબર આર વત્તા માઇનસ ક્યુ એમ ધ્યાન રાખજો ખાસ ક્યુ એમ જે છે એના માટે કોસ થીટા પરથી વળી કોસ થીટા તો આ ત્રિકોણ માટે આ પાસેની બાજુ ક્યુ એમ થશે અને એ ક્યુ એમ અપોન એ તેથી a cos theta બરાબર માઇનસ qn બરાબર છે ઓકે હવે આપણે આ qn જે છે એની કિંમત ઉપર મૂકી દઈએ તો r2 બરાબર r વત્તા a cos theta સમીકરણ નંબર 3 તો આમ આપણને આકૃતિ પરથી સમીકરણ 2 અને સમીકરણ 3 એટલે કે R1 અને R2 ની કિંમત મળે હવે R1 અને R2 ની આ જે કિંમતો મળે છે એ કિંમતો માટે આપણે હવે 1 / R1 અને 1 / R2 આ બે કિંમતો શોધીશું તો જોઈએ 1 upon R1 બરાબર શું છે R1 બરાબર R minus A cos theta જમણી બાજુ આ કોણ ગાડીએ 1 minus A cos theta upon R એનો વર્ગ કરીએ બંને બાજુ વર્ગ કરતા
बनने में जो वर्क करवा थी आर वन नो स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर वन माइनस ए कॉस थीटा भाग्या आर एनो वर्ग से आर स्क्वायर ए माइनस बी नो वर्ग ए माइनस टू ए कॉस थीटा भाग्या आर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हवे एमांथी आ पद जे छे ए पद ने अवगणता ए पद ने अवगणीशुं तो आर वन नो स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर वन माइनस टू ए कॉस थीटा अपॉन आर बाकी रहेशे बराबर छे। त्यारबाद हवे शुं करीशुं तो त्यारबाद जे छे आपणे एनो व्यस्त लेता तो वन अपॉन आर वन नो स्क्वायर बराबर वन अपॉन आर स्क्वायर आनो थई जशे वन माइनस टू ए कॉस थीटा भाग्या आर के वन बाय टू घात छे त्यां आपणे शुं लईशुं तो त्यां आपणे द्विविध प्रदी प्रमेयनुं विस्तरण लेता समीकरण माटे द्विपदी प्रमेय नो विस्तरण करीने प्रथम बे पद ने ध्यान में लेता पर वन अपॉन आर वन प्लस ए कॉस थीटा अपॉन आर मळे वन अपॉन आर टू बराबर वन अपॉन आर वन माइनस ए कॉस थीटा भाग्या आर थाय। समीकरण नंबर ए अने बी हवे ए अने बी जे छे एनी किंमत मूळ समीकरण मुकता री बराबर क्यू अपॉन आर खास याने जो वन अपॉन आर एनी किंमत छे वन अपॉन आर वन प्लस ए कॉस थीटा माइनस वन अपॉन आर टू एनी किंमत छे वन अपॉन आर वन माइनस ए कॉस थीटा वन अपॉन आर कॉमन देता के क्यू अपॉन आर स्क्वायर वन प्लस ए कॉस थीटा माइनस वन प्लस ए कॉस थीटा बराबर छे प्लस वन अने माइनस वन कैंसल थशे तो वी बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर टू ए कॉस थीटा। फरीथी गुणफण करीए सहेज वी बराबर के इंटू क्यू इंटू टू ए कॉस थीटा भाग्या आर स्क्वेर आनी किंमत आपणे जाणीए छीए वी बराबर के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वेर। हवे जो थीटा बराबर शीरो अंश होय तो वी बराबर केपी अपॉन आर स्क्वायर अने थीटा बराबर नेव अंश माटे वी बराबर केपी अपॉन आर स्क्वायर इंटू जीरो बराबर जीरो थाय। तो आम आपणे डायपोल ने लीधी मळतो विद्युत स्थितिमान शोध्यु। नमस्ते।